फ्रेंड्स, आज हम लीची का बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस जूस और मिल्क शेक बनाकर तैयार करेंगे, जो इस भीषण गर्मी में बहुत ही ठंडक और रिफ्रेश फील कराता है। फ्रेंड्स, लीची में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लीची में कॉपर, मैग्नीशियम होते हैं, जो रेड ब्लड सेल बनाने के लिए काफी अच्छा होता है। इसके सेवन से चेहरे पर निखार आता है। तो चलिए हम इस हेल्दी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है लीची, तो चलिए हम सबसे पहले इसे तोड़कर अलग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सभी को तोड़कर अलग कर लिया है। अब हम इसके ऊपर के छिलके को छील लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे लीची के छिलके को उतार लिए हैं। अब हमें लीची से इसके बीज को अलग कर लेना है। हमें इसके पल्प का इस्तेमाल करना है, ये काफी जूसी होते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे पल्प को उसके बीज से अलग कर लेना है। तो हमने यहाँ पल्प को अलग कर लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें सारे पल्प को ऐड करेंगे। तो पल्प के ऐड करने के बाद हम इसमें 1/4 कप चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हम इसमें पुदीना का पत्ता ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर जूस को बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग बनाता है। अब 1 कप आइस क्यूब्स डालेंगे और अब टैंगी सा फ्लेवर के लिए 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और अब 1/4 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे या टेस्ट के अनुसार डालें। और अब लास्ट में 1 गिलास फ्रिज का ठंडा पानी ऐड करेंगे। अब हमें जार का ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे ताकि इसमें जो कुछ मोटा रह गया है वो छन्नी में आ जाए। तो मैंने इसे छान लिया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आइस क्यूब्स और पुदीना के पत्ते से इसे डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। अब चलिए हम लोग लीची का मिल्क शेक बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप लीची का पल्प लिया है, उसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। अब हमें इसमें टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड करना है, तो मैं यहाँ 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अब 1/2 कप आइस क्यूब डालते हैं और अब लास्ट में हमें फ्रिज का ठंडा दूध ऐड करना है, तो हम यहाँ 1 कप दूध ऐड कर रहे हैं और अब जार का ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, पिस्ता से इसे डेकोरेट करेंगे। ड्राई फ्रूट से इसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है। फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।